नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सलोनी मनचंदा है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट और ब्रेस्ट की कोई भी डिजीजेस के बारे में इलाज करती हूँ। मेरा आज का विषय ये है कि मैं आपको ब्रेस्ट पेन, जिसे कि साइंटिफिक टर्म्स में ब्रेस्ट नॉस्टैल्जिया कहा जाता है, के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगी। ब्रेस्ट पेन ओपीडी में जितने भी मरीज आते हैं, एक सबसे मोस्ट कॉमन कंप्लेंट होती है पेशेंट्स की। ये दो तरीके का होता है, एक होता है साइक्लिकल और एक होता है नॉन साइक्लिकल। जिसका मतलब ये है, साइक्लिकल पेन हर महीने कुछ दिन सेम तारीख पे आता है, और नॉन साइक्लिकल पेन का ऐसा कोई रूटीन नहीं होता, वो किसी भी समय हो सकता है। साइक्लिकल पेन जनरली हार्मोन रिलेटेड चेंजेस की वजह से होता है। जिन महिलाओं को ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की प्रॉब्लम हो, या पीसीओडी हो, या किसी मेंस्ट्रुअल कोई इश्यू हो, उन सब महिलाओं में ये साइक्लिकल पेन देखा जाता है, जिसके लिए सिंपल हार्मोनल ट्रीटमेंट और कुछ जांचों से इलाज किया जा सकता है। ज्यादा ध्यान देने वाली बात नॉन साइक्लिकल पेन की है, जो किसी भी रिदम में नहीं आता। वो कभी दर्द होता है, कभी दर्द नहीं होता। तो नॉन साइक्लिकल पेन जिन महिलाओं को होता है, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि उसके साथ कोई और संबंधित दिक्कतें तो उनके शरीर में नहीं है, जैसे कि पेन के साथ कोई गांठ का होना, निप्पल से पानी आना, या ब्रेस्ट में किसी भी प्रकार की लालिमा होना। ध्यान देना जरूरी है कि ये सारी चीजें बगल में भी हो सकती हैं, कोई बगल में गांठ, बगल से पानी आना, या बगल में कोई दर्द महसूस होना। यदि इन महिलाओं को इनमें से कोई भी लक्षण होता है, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और दूसरा अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी कराने की आवश्यकता पड़ती है, देखने के लिए कि अंदर बैठी कोई बीमारी तो नहीं है। एक बार बीमारी का डायग्नोसिस बन जाए, तो उसके बाद उनको सही ट्रीटमेंट मिल सकता है। इन सब तकलीफों को, बीमारियों को, पेन को, जिसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं, नजरअंदाज ना करें, और सही समय रहते महिलाओं को इसके लिए ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। और इस ट्रीटमेंट के लिए आप मुझसे हर सैटरडे 2 to 4 PM मिल सकते हैं अमृतधारा हॉस्पिटल में। थैंक यू।